आंखों की रोशनी बेशक एक अनमोल नेमत है, ये ना होती तो हम दुनिया की किसी भी चीज को पहचान न पाते, उसे नाम न दे पाते। लेकिन इसी दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस नेमत से महरूम होते हैं, जो सिर्फ छूकर किसी चीज को पहचान सकते हैं। लेकिन उनकी ये कमजोरी जीने की उनकी हिम्मत को कम नहीं करती, न ही दूसरों से कमतर समझने पर इन्हें मजबूर करती है। इनके हौसले हर दम बुलंद रहते हैं और ये हर काम करने की सलाहियत रखते हैं। एनी डिसेबिलिटी स्पेशली द विजुअल कैन नॉट बी टर्म्ड एज हेल्पलेसनेस और अनेबिलिटी फॉर ए पर्सन एंड डिसरिगार्ड हिम फ्रॉम द सोसाइटी। वी वॉन्ट टू प्रूव टू द सोसाइटी to look a person as a whole, not discard him or eliminate him because of some problem in his physical aspects of the life. ये सब तभी मुमकिन हुआ जब पूरे भारतवर्ष में सरकारी और निजी सतह पर इनकी तरबियत के लिए मरकज खोले गए, ताकि ये लोग किसी दूसरे के बगैर ही अपने पैरों पर खड़े हो सके और रोजगार भी कमा सके। मेरा नाम मीना है। हम फिजियोथेरेपी काम, फिर मसाज, फिर एक्यूप्रेशर देती है। मेरे पति का नाम देवराज है। हम इधर 10 साल हो गया शादी करने का। फिर हमको एक लड़की है, इसका नाम ऐश्वर्या। हम बाहर जाते हैं, हाउस विजिट करती है। मेरे पति है देवराज, इधर एक स्टूडेंट था, फिर डायरी में काम करता है, डायरी इंचार्ज है। नेत्रहीन बच्चों की पढ़ाई लिखाई का एक अलग ही तरीका है, इसे ब्रेल लिपि कहा जाता है। और इसे सीखने के बाद नेत्रहीन कोई भी किताब या और भी कई सारी चीजें वैसे ही समझ सकता है जैसे कि आम इंसान। वी आर टीचिंग देम द क्यूब्स, द ब्रेल एंड ऑल। वी आर टीचिंग देम टू द क्यूब्स व्हिच इज अ मॉडर्न वन, एंड थ्रू द लो विजन मैकेनिज्म्स एंड देन थ्रू कंप्यूटर्स, so that which helps a child for the modern scientific world. We want a child to cope up with the present world. That is our motto. ऐसे बच्चों को मौसीकी से काफी लगाव होता है, इसी वजह से ये किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बहुत ही जल्द और बड़ी आसानी से बजाना सीख सकते हैं। आंखों की रोशनी से महरूम बच्चों के लिए कायम किए गए स्कूलों और मरकजों में कई दूसरे हुनर भी सिखाए जाते हैं, जिसे कि ये आगे चलकर रोजगार कमाने में तब्दील कर सकते हैं। लेवल
आज के जमाने में जहां ज्यादातर काम मशीनों से होता है, वहीं इनके हाथ भी काफी कारामत साबित होते हैं। In the vocational training, we provide training in the manufacturing sector for industrial needs. We make manufacture of corrugated boxes. This training is provided to them to see that they enter into the industrial setting once their education and training is completed. So this helps them to understand the needs of a industry, the type of activities that will be there in an industry. So once they are used to that schedule and other type of work in the industry, we bring in prospective employees to come and employers to come and do a campus type of interview, so that they can pick up some of the trained students. Most of the areas of work which are stereotype, like packing and continuous job, the persons with disability have more concentration and tend to do the job in more numbers than the normal people. In some places like assembly sections, we have our students doing more components than their regular counterparts, and it has helped the industrialists to identify them and pick up more number of disabled persons in such areas. इनकी इसी तरह की काबिलियत देखते हमें ये मानना